दोस्तों, कई बार हमने देखा है कुछ लोग शुरुआती दौर में काफ़ी गरीब होते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद वो काफ़ी अमीर हो जाते हैं। उसी तरह कुछ लोग शुरुआती दौर में पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर होते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद वो अच्छी खासी पढ़ाई कर लेते हैं और अच्छा खासा बिजनेस भी सेटअप कर लेते हैं और कई बार वो अच्छे खासे प्रोफेसर भी बन जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके थ्रू हम सक्सेस पा सकते हैं। द की ऑफ सक्सेस, एक लायन की स्टोरी के साथ हम जानकारी लेंगे। एक जंगल होता है, उसमें एक लायन रहता है। लायन हर रोज़ की प्रैक्टिस की तरह खुद का शिकार ढूंढने के लिए वो जंगल में घूमता फिरता है। शिकार की खोज में वो जंगल में काफ़ी घूमता है, लेकिन उसको उस दिन शिकार नहीं मिलता है। काफ़ी घूमने के बाद दोपहर हो जाती है, वो काफ़ी थक जाता है, मायूस हो जाता है। अंदर से इतनी भूख लगती है कि क्या करे, शिकार कैसे पाए। उसको शिकार तो दिखता है, लेकिन शिकार उसके हाथ से निकल जाता है। वो और डिप्रेशन में आ जाए, मायूस हो जाता है, और उसकी जो भूख रहती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। वो जंगल में ऐसे ही घूमता रहता है, उसको पता नहीं चलता है कि आज क्या होगा। उसी वक्त उसको एक शिकार दिखाई देता है। वो शिकार देखते ही उसके अंदर की जो भूख है वो इतनी बढ़ जाती है कि उसको किसी भी हाल में इस शिकार को पकड़ना है। किसी कुछ भी हो जाए, लेकिन उसको इस शिकार को पकड़ना है। उसकी भूख इतनी तीव्र हो जाती है कि उसको कुछ भी हो जाए वो शिकार को किसी भी हालत में पकड़ना है। तो दोस्तों, सक्सेस के लिए हमारे अंदर एक भूख लगनी ज़रूरी है। उसी भूख की वजह से वो शिकार पे इतनी ज़ोर से अटैक करता है कि शिकार उसके हाथ में आ जाता है। दोस्तों, यही मेन चीज़ है कि किसी भी चीज़ में सक्सेस पाना है। सक्सेस पाने के लिए उस जो भी हमारा कार्य है, उस कार्य में सक्सेस पाने के लिए हमें भूख लगनी ज़रूरी है। जब हमें उस कार्य में सफलता पाने की भूख लग जाती है, तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता, हम सक्सेस पा ही लेते हैं। और जब हमें भूख लग जाती है, तो उसके बाद हम कुछ भी नहीं देखते। ऐसे ही बहुत सारी कहानी है, जैसे कि जीतन राम मांझी, जिन्होंने पूरा पहाड़ खोद दिया था। उनको अंदर से इतनी चोट लगी उनके दिल पे कि कुछ भी हो जाए, किसी चीज़ में सफलता पाने के लिए वो चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, या हमें कोई अच्छी पोस्ट पानी हो, या कोई भी कठिन से कठिन कार्य में सफलता पानी हो, तो उसके लिए सबसे बड़ी कोई अगर चीज़ है तो हमें हमारे लक्ष्य को अचीव करने के लिए, हमारे दिल से उस लक्ष्य के अचीव करने के लिए भूख लगनी ज़रूरी है। जब हमें हमारे लक्ष्य को अचीव करने के लिए भूख लग जाती है, तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। कुछ भी हो जाए, हम उसमें आगे बढ़ते जाते हैं। कितने भी हर्डल आ जाए, हम हर्डल को पार कर लेते हैं। कितनी भी मुसीबत आ जाए, हम उन मुसीबतों को भी पार कर लेते हैं और हमारा जो लक्ष्य है उसको हम अचीव कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे मेन कीमत है कि हमें हमारा लक्ष्य, हमारा एम पाने की जो भूख लगनी चाहिए, उस हद तक भूख लगनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए मुझे ये लक्ष्य अचीव करना ही है। और जब इतनी हद तक आपको भूख लग जाती है, तो पूरी कायनात आपके सपोर्ट में आ जाती है और आपके हिसाब से आपको लोग भी मिल जाते हैं। पूरी कायनात आपको मदद करने के लिए उतर पड़ती है। कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलना शुरू हो जाता है। बस एक ही बात याद रखो कि लक्ष्य को पाने के लिए आपके दिल में से भूख लगनी ज़रूरी है, और जब ये हो जाता है तो आप सफलता पा ही लेते हो, अचूक पा लेते हो। ऐसे बहुत सारे केसेस है, जैसे कि 12th फेल वाले IPS साहब और जीतन राम मांझी साहब, बहुत सारे केसेस है जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके सफलता को पाई है। तो दोस्तों, थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वंस अगेन थैंक यू।